चौंगाई से सब लोग बोले हैं कि इसके ऊपर साना लिखवा ही के रहिएगा। तब आज मन में आया कि साना लिखवा दे रहे हैं तभी हम घर पर जाएंगे। तो साना लिखवाने के लिए गए थे हम, तो कह रहे कि कोट जा, हम कोट नहीं थी देख ले बक्सर के, घर से निकलने ही नहीं दे। गुड़ लगा तनी समाचार बटुए, बक्सर जिला के ब्रह्मपुर थाना के रघुनाथपुर से बड़ा खबर आ रहा बटुए। बक्सर में एगो प्रेमी विधवा के झांसा दे के ब्याह रचैलस, फिर ऐसन कैलस कि मच गई हड़कंप। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देख तानी तो फॉलो कर ली ताकि सबसे पहले खबर रौरा मिले, देखला के बाद शेयर जरूर करी। मामला बक्सर जिला से बटुए, बक्सर जिला के ब्रह्मपुर थाना के रघुनाथपुर, जहाँ एगो प्राइवेट क्लिनिक में विधवा से प्रेम के ढोंग रचा के दूगो बच्चा विधवा के पहले से रहे ढोंग रचैलस, ब्याह रचैलस, एकरा बाद इनकर लड़का के गर्दन छिप के मुंगा दिहलस। मामला तनी विस्तार से जान ली। पटना जिला के रहे वाली एगो लड़की जेकर नाम सपना बा, सपना लड़की के हस्बैंड डेथ कर गेलन। यह लड़की के बाप 1999 कारगिल युद्ध में शहीद हो गेलन। इ लड़की के बाप 4 लाख रुपया रखले रहन अपन विधवा बेटी खाती कि घर बर देख के ब्याह कहीं और कर दियाई। इ लड़की अपन दूगो लड़कन के लालन पालन खाती राशि हॉस्पिटल आरा में काम करे लगली। यही दरमियान 61 गांव के रहे वाला एगो युवक जेकर नाम अमित बा वही हॉस्पिटल में काम करत रहे। यह लड़की पो डोरा डाले विधवा पे चालू कैलस। इ विधवा कहलस कि हमार मरद नहीं खन, हमारा इ फेरा मत रह, दू दू गो लड़का बाड़े, लेकिन लगातार दबाव देत रहल आ अंत में जहर खाए के धमकी दे दिलस कि तू हमार ना हो कबू तो हम मरिय। एकरा बाद अमित नाम के युवक एकरा के प्रेम जाल में बजा के ब्याह क के ढोंग क के ब्याह के एकरा बाद बक्सर जिला के अलग अलग जगह पर क्लिनिक चलावे शुरू कैलस। बगेन में चलैलस, पोखरहा में चलैलस, फिर रघुनाथपुर में चलैलस आ एहिजा एगो बड़ घटना के अंजाम दे दिहलस। 2019 में दुल्हिन बाजार पटना के रहे वाली सपना के साथ शादी कैले रहे। सपना पहले से विधवा रही, इनका एगो बेटा एगो बेटी रहे। शादी के बाद दोनों जना साथ रहे लगल लोग। कुछ देर पहले रघुनाथपुर में दोनों मिलके शिव शक्ति अस्पताल के संचालन करे लगल लोग। संचालन के बाद दोनों में आपस में वाद विवाद चलत रहे। अचानक बुध के साँझी खा 5 बजे अमित अपन सौतेला बेटा दीपक के गर्दन छिप के मुआ दिहल। एकर जानकारी जब सपना के भइल तो सपना थाना पहुँच के जानकारी देली। सूचना मिलते पुलिस मौका पे पहुँच के मुअल दही के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खाती भेज दिलस। यह मामले में प्रभारी थानेदार योगेंद्र कुमार बतैनी कि दीपक कुमार के हत्या ओकर सौतेला पिता गर्दन छिप के कैले बा। पोस्टमार्टम के बाद मुअल दही परिजन के सौंप दिया। वही मामला में जौन विधवा बाड़ी वो बताबतारी कि हमरा से बराबर अनबन चले, हमार 4 लाख रुपया जौन बाबूजी धैले रहन उ ले लेलस, ओकर गाड़ी किन लिहलस, गाड़ी अपना नाम में पो किनलस, हमरा छनक भइल, लेकिन फिर भी हमरा के कहे कि कुल तोहरे नु बा अतने ना। एकरा बाद हमरा लड़िकन के पढ़ावे के रहे शाहपुर में अपन बहिन के माध्यम से हॉस्टल में लड़का लड़की के डाल देनी, लेकिन 3-4 दिन पहले ही अपन लड़का लड़की के लेके आइल रही, फिर हॉस्टल में डाले के प्लान रहे। एकरा खातिर टूरीगंज में एगो दोसर क्लिनिक में हम बतियले रही, जहाँ खा पी के 9,000 देवे के वो क्लिनिक वाला कहले रहे। हम यही मामला के समझे बुझे खातिर कुछ पैसा ले आवे खातिर गई रही। तब तक हमार घर के लड़का के साथ ही तरह से घटना ई ढोंगी प्रेमी हमार क दिहलस। ई घटना सुन के वो क्षेत्र में रहे वाला के दिल झकझोर गई, सब सोचे पो मजबूर हो गई। अब भोजपुरिया समाचार वो विधवा महिला के बयान सुनावे जा रहल बटुए, लेकिन ओकरा दर्शक से निहोरा बा कि दबा के शेयर करी, चैनल पर सब्सक्राइब कर ली। कब से तुम लोग ब्याह हो रहे हैं? हमर ब्याह
उन्नीस में किए उन्नीस में दूसर का भी आ रहे हैं। हाँ पहले से हम सब विधवा हैं। अच्छा विधवा हैं। हम रांची हॉस्पिटल में आ रहा काम करते थे। अच्छा तो ये आने जाने लगा तो नहीं हमारे पास पैसा कौड़ी था। पहले से मिलिट्री बैंड की लड़की है। अच्छा अच्छा। हाँ 1999 मेरे पापा मरा गए हैं। अच्छा, हम घर से आए तो 4 लाख रुपया लेके आए थे। अच्छा, अच्छा। हर खेल कुमार में 1 लाख के गहना हम खरीदे 3.5 लाख रुपया इसको हम दिए। अच्छा, तो 3.5 लाख दिए तो ये लिया है टाटा टिगोर गाड़ी लिया है। अच्छा। तो वो कैसे लिया टाटा टिगोर कहला ना कि ये सपना पैसा देगा तो तुम्हारे नाम से गाड़ी ले देंगे तो कुछ बिजनेस बढ़ जाएगा। चलो बिजनेस से बढ़ावे के अब जब शादी कर ही ले लेंगे तो बिजनेस से बढ़ावे के बानू जब दे दिए तो एक दिन कल छल तक बुझाया छठा महीना में लेने वाली गाड़ी 7 लाख में ना छठा महीना में नहाए खाए के दिन नहाए खाए के दिन लेने वाली पर्सा छठ के तो हमें तनि मिस्टेक बुझाए तो हम भी तोरा अथी में लग गए तो एजेंसी से फोन आता है ना इसका हम नंबर उतार लिए एजेंसी वाला के उतार के कहे ना कि केकर नाम से सच सच बताइएगा बता मैडम कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनका मीट के नाम से है तो बोले क्या जी हमसे पैसा लिए गाड़ी के लिए अपन नाम ले लिए फिर भी कहे संभाव दे ज़्यादा पति हम है ना फिर वो इसको इतना मानते थे ना इतना मानते थे। अस्पताल कब से चल रहा है यहाँ पे अस्पताल कितना दिन से चल रहा है? देखिए यहाँ पर साल भर अस्पताल चला ठीक ना आगे बगेन में खोला तो बगेन में खोला तो वहाँ से भगा दिया लोग तो उधर एगो कहीं बाबा के है पोखरा के उसमें खोला तो वो में से हटा दिया वो लोग तो यहाँ आया तो यहाँ साल भर चला तो हमको थोड़ा सा दिक्कत बुझा इसी के बहन सब बोली ना कि 420 बा ठीक ना तुम्हें पैसा बचा के रखी है तभी से कहे कि जी हमको भी पैसा दीजिएगा हम भी पैसा रखेंगे तो कहने लगे कि हमारा पे विश्वास नहीं है तहरा कहीं विश्वास बा फिर भी हम पैसा रखो फिर भी करते करते भी 1.5 लाख रुपया बचा के रखे थे तो यहाँ से हटाया लोग तो गया किनारा बैंक तक किनारा बैंक तक ये बच्चा नजायज बच्चा था तो बेच दिया मुस्मात औरत के बच्चा था तो बेच दिया बच्चा तो बच्चा बेचा ना तो कहा ना हम जितेंद्र कुमार स्टाफ से अपने ही सब जान पहचान के हैं लोग तो उसको दिवा दिए तो हमरा से कहा कि हम 20,000 में देने बने 1.5 लाख देने बा बच्चा। अच्छा अच्छा माने हमरा से कल छल तो हम बोले कि जी बच्चा बेचे आज के घटना का है ये बताइए। आज के घटना है कि 4 दिन से मेरा लड़का मैंने इतना दिन से मेरा जगदीशपुर हॉस्टल में डाल दिया था ले जा किए हैं साल भर से हम हॉस्टल में से हटा दिए रोने लगा था बहन के घर पर था तब बहन बोली ना कि बबी रे बबुआ रोए ला था ना कि मम्मी भी रह 4 दिन से लिए बने 4 दिन से कहता कि जब धर्मशाला खुलल बा कि सब जब परवरी चलाओ तो कल हम नहीं कमाते हैं हम भी कमाते हैं तुम्हारे साथ में तुमको नर्स नहीं रखने दे रहे हैं झाड़ू पोछौनी के नहीं रखने दे रहे हैं सारा काम हम करते हैं सारा काम हम करके वही से हमारे बाल बच्चा पोसाई तो 4 दिन से आई बात तो कहता कि हम तो खर्चा ना चले कल ज्यादा ये भी खर्चा ना चले वो अपन अथी मान गई भैया स्कूल में जाके लैकन के दोनों के कहानी हॉस्टल में डाल दे आ टूरीगंज बात कैले बानी रोशनी हॉस्पिटल में 24 घंटा रहे खातिर तो कहानी कि लैकन के हॉस्टल में डाल के 24 घंटा काम पकड़ तो कम से कम 9,000-8,000 देवे के कहले बरत तो कम से कम एक महीना के फीस हम मिल जाए लो अब कम खाना पीना दे के कहे हैं कि 8,000-9,000 हम आपको मैडम देंगे तो आज 5 बजे जाए वाला रहा लोग हमारे लैकन पैसा घटल है सुबह सोनार भी गईनी हम मंगलसूत्र बेचे मंगलसूत्र रखले बनी अब वो कहला कि 5 बजे आएगा हम अभी पैसा ना देंगे कह सके अभी ग्राहक है तो वहाँ से चल गई हम पोस्ट ऑफिस में खाता में 6,000 रुपया रहे था तो चलो ये ना बेचम पोस्ट ऑफिस में चलो तो वहाँ भी काम ना लगल है तो कहने लगी चलो तनि टूरीगंज लगले ट्रेन आई रहे था टूरीगंज गईनी है तो कहने की रोशनी हॉस्पिटल में कि एडवांस तनि दे दीजिए 4,000 रुपया लड़कों के तनि नाम लिखवाना है फिर हमारे मन में दमती हो गया तो कहे ना कि रे आवेदन अथी लिख के सानहा लिख के दे देता नहीं हम लोग चुंगाई के सब लोग बोले हैं कि इसके ऊपर सानहा लिखवा ही के रहिएगा तो हमारे मन में आया कि सानहा लिखवा दे रहे हैं तब हम घर पर जाएंगे तो सानहा लिखवाने के लिए गए थे हम तो कह रहे कि कोर्ट जाओ हम कोर्ट नहीं देख ले बक्सर के
घर से निकलने ही ना, आने के पहले ये सब काम कर दिया था, ये आपके आने के बाद ना तो दरवाजा बंद था, अभी हम लगावल था, लाइट बुताया होता, मेरे बेटी आई था लाइट वो कहाँ था आए तो ये सब बंद था। यहाँ पेशेंट है, पेशेंट एक है जीवी के ऑपरेशन हुआ है, अभी है पेशेंट है कहाँ पर? अभी यहाँ मेरे अच्छी ऐसी रिलेशन में दीदी लगती है, मैंने दीदी ना मैंने व्यवहार से अपना जैसा रहती है तो बोले कि आप वहाँ चल जाइए, मैंने आप यहाँ रह के का कीजिएगा, पतली दुबली है तो कि आप चल जाइए वहाँ पर, यहाँ पर पेशेंट तो उसके पहले ये गर्दन दबा दिया था, आए तो गमछी बांधा हुआ था, बांधा हुआ था ना, वो कहाँ पे था? आए तो यूँ यहाँ पर नहीं, अमित कहाँ था? यहाँ नहीं था, नहीं था यहाँ पर था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सपना देवी नाम है। सपना देवी नाम हुआ, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रहने वाले पटना जिला। अच्छा, इनके घर पे जब शादी की थी ये अपने घर ले गए थे? हाँ, कभी हमको घर ले गए, अजीब घर देखे हुए सर। हाँ, तो इनके पिताजी कह रहे हैं कि हम पिताजी कह रहे हैं कि हम कुछ जनवे नहीं करते हैं कि शादियों की महिला से केस की, अभी महिला थाना पहुँचेंगे हमसे वो वेदन लिख के वहाँ दे के आया है। अच्छा, वहाँ मोबाइल में सारा सबूत रखे थे, मोबाइल पानी में फेंक के, अब बाकी मेरा इतना दिमाग चला ना कि हम भी डायरी में लिख के रखे हैं सारा नंबर, अभी वहाँ फोन करेंगे। लड़का मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम क्या था? दीपक कुमार उप शाही। कितना दिन का था वो? 10 साल के। वो पहला जो शादी हुआ था उसका बच्चा था? हाँ, उसका बच्चा। आई बेटी जो है दोनों उसी का है, उसी का है। हाँ, बाकी दोनों का कहो कैसे, मेरी बेटी रांची हॉस्पिटल में काम करते थे ना, तो रोज इस पर काम करते उस पर ये लोग रोती थी लोग, तो जाता था ना तो एक नीचे बजाता था कूड़े लेके हई लेके, तो हम बोलेंगे कि आप मेरे पास मत आइए, तो नहीं तुमको हम अपनाएंगे, तुमको हम अपनाएंगे, बीच में बोले कि नहीं जी मेरे दो बच्चे हैं शादी नहीं करेंगे, तो करे कि हम जहर खा लेंगे ना करेगी। ठीक ठीक तो, अरे बताना है तो बताइए कैसे हुआ ये, कौन किया है? हस्बैंड किया है, हमसे शादी किया है, दूसरा शादी मेरे से किया है। अच्छा। हाँ, पहले हॉस्टल में डाले थे जगदीशपुर। बोलिए बोलिए। 4 दिन से लिए बनी कहता की धर्मशाला खुलल बारे माई तो कहाँ है भाग्या आई नहीं आता बबुआ हमारा अंधेरा।